The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत. आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. हमने आपको कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में डिटेल्स बताई. सो बहुत लोगों के सवाल आए, डिमांड आए कि डॉक्टर साहब, जो एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है, फाइसर की है, मॉडर्ना की है, उनके बारे में भी डिटेल दीजिए. तो ये डिटेल्स आपको बता दे रहे हैं. एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन जो एक मॉडर्ना की है, उसमें क्या है. मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, एमआरएनए 1273 नामक वैक्सीन है, जिसके अंदर न्यूक्लियोसाइड मॉडिफाइड मैसेंजर आरएनए कंपाउंड है, जो कि यही एक स्पाइक प्रोटीन, जो सरफेस प्रोटीन है आपके कोरोना वायरस का, उसको एनकोड करता है आपके शरीर में जाके. और ये एनकोड करने से क्या होता है, ये जो सरफेस प्रोटीन आता है, वो प्रोटीन रिकॉग्नाइज किया जाता है आपके इम्यून सिस्टम के द्वारा कि ये फॉरेन बॉडी है, और ये इसके खिलाफ आपके बी सेल्स, टी सेल्स एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं. और फिर जब आपके अंदर वायरस आता है, तो ये एंटीबॉडीज़ उस वायरस को भी पूरी तरह से मार सकते हैं. तो इसी तरह से आपको इम्यूनिटी प्रदान करते हैं. ये नहीं पता कितने दिनों तक प्रदान करते हैं ये एंटीबॉडी, कितने दिनों तक रहेंगे आपके अंदर, अभी ये आगे चल के पता चलेगा. ये वायरस की इस वैक्सीन को भी बिल्कुल दूसरे वैक्सीन के जैसे 18 साल की उम्र के ऊपर लगाया जाता है, दो डोज 0.5 ml 4 हफ्ते के डिफरेंस में इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड में आपको लगाया जाएगा. इस मॉडर्ना वायरस वैक्सीन की एफिकेसी जो है, ये 94.5% प्रोटेक्शन लेवल है सीरो कन्वर्शन, यानी वैक्सीन लेने के बाद आपके बॉडी में इम्यून एंटीबॉडीज बन जाएंगे, वो उसके चांसेस. इसको भी 4 से 8 डिग्री में स्टोर किया जा सकता है, और -40 डिग्री में इसको ज़्यादा लंबे समय में 4 महीने तक स्टोर किया जा सकता है. नॉर्मल स्टोरेज इसका 4 से 8 डिग्री, नहीं तो -40 डिग्री. इशू यही आता है, इसको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए इसको -40 डिग्री में रखना चाहिए पड़ता है. और इंडिया के अंदर ये थोड़ा ऐसा मेंटेन करना, किसी भी दोनों फाइसर की हो या मॉडर्ना की हो, या वैक्सीन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसके अंदर अगर आता है तो कभी कभी सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस आ सकते हैं, दैट इज़ देयर. और इसीलिए इसको प्रेगनेंसी लैक्टेशंस में नहीं दिया जाता, इंटरचेंजेबल नहीं है, इसके साथ दूसरी वैक्सीन नहीं लगा सकते. और इसमें जो दिक्कत जो आती है, एडवर्स रिएक्शंस, नॉन एडवर्स रिएक्शन, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि फेशियल स्वेलिंग हो रही है, लोगों को बेल्स पाल्सी हो रही है टेम्पररीली, लोगों के जो एक तरफ का मुंह जो है वो लटक जा रहा है, बेल्स पाल्सी हो रही है. बेल्स पाल्सी मतलब हाफ फेशियल पैरालिसिस, वो फेशियल पैरालिसिस हो रहा है, फेशियल स्वेलिंग हो रही है. ये एडवर्स रिएक्शन है, ये नॉन है कि इस वैक्सीन के साथ हो रहा है, लेकिन ये टेम्पररी है, कुछ दिनों में चला जाता है. उसके अलावा इंजेक्शन साइट में पेन हो सकता है, वहाँ दर्द हो सकता है, मसल पेन, चिल्स और जॉइंट पेन, बाकी नोजिया, वॉमिटिंग, थोड़ा बहुत बुखार, ये सब उसके साथ कॉमन है मॉडर्ना का. सो ये हो गया बेसिक आपका मॉडर्ना. इसके जो मॉडर्ना प्लस NAID बर्ना, ये नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, नाम याद रखिएगा. अब बात करते हैं फाइसर की वैक्सीन. फाइसर बायोएनटेक वैक्सीन का नाम, जो जेनरिक नेम है टोजीनामेरान, और ब्रांड नेम है कोमिरनाटे, बहुत खतरनाक से नाम है. ये भी एक न्यूक्लियोसाइड मॉडिफाइड एमआरएनए है, जो कि ये भी आपका सरफेस स्पाइक प्रोटीन आपके कोविड वायरस का प्रोड्यूस करता है, एनकोड करता है, और ये भी वैसे ही एक ट्रिगर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, आपकी एंटीबॉडीज बनने लगती है उस सरफेस प्रोटीन के खिलाफ. सेम वे बी सेल, टी सेल एक्टिवेट होते हैं, क्या आ गया इसके खिलाफ. तो याद रखिए, अगर आप ऑलरेडी पहले से वायरस आपके अंदर था, तो आपके अंदर ऑलरेडी थोड़े बहुत एंटीबॉडी होंगे, और जब ये आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर वो एंटीबॉडीज़ भी इसको जाके मार देंगे, और दूसरे एंटीबॉडीज़ भी बनाएंगे. सो दोनों रिस्पॉन्स होगा. सो दैट इज़ देयर, थोड़ा बहुत आपके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो जल्दी आ सकते हैं, उसी दिन आ सकते हैं, दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी. इस वैक्सीन जो BNT162B2 नामक फाइसर की वैक्सीन है, इसका भी ड्यूरेशन हमें नहीं पता कि ये कितने दिनों तक एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में मौजूद रहेंगे, पर एंटीबॉडी लेवल बनेंगे. इसकी एफिकेंसी इसके अंदर 95% है. जो वैक्सीन लेगा, 94% चांस है कि आपके अंदर बढ़िया एंटीबॉडी लेवल्स आ जाएंगे, सीरो कन्वर्शन हो जाएगा. प्रॉब्लम विद दिस वैक्सीन, फाइसर की वैक्सीन है, इसको -80
से -60 डिग्री तक फ्रोजन फॉर्म पे रखना पड़ता है टिल इट इज रेडी। सोच के देखिए, इतना माइनस लेवल पे इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है यहाँ वहाँ, और थॉ करना होता है +2 से +8 डिग्री पे या रूम टेम्परेचर पे अप टू 25 डिग्रीज। और फिर इसके साथ एक डाइल्यूएंट आता है, उस डाइल्यूएंट के साथ इसको मिक्स करके फिर इस्तेमाल किया जाता है। तुरंत 6 घंटे के अंदर इसको फिर से फ्रीज नहीं कर सकते। तो इतने सारे इसके साथ थोड़े से इस चीज़ को प्रैक्टिकली इंडिया जैसी कंट्री में, डेवलपिंग कंट्रीज में हर कोने कोने तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कोल्ड चेन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ये भी एक कारण है कि वैक्सीन इंडिया में नहीं आई, नहीं चली। और इसके साथ भी मोडर्मा के जैसे सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस होने के रिस्क है, रिस्क भी नहीं कह सकते बट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि आपको अगर कभी पहले कोई सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हो चुका है किसी भी चीज़ से, तो आप ये वैक्सीन एमआरएनए वाली नहीं लगाएंगे, बल्कि कोई भी दूसरी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। किसी को सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हो चुका है तो वो नहीं लगाएं, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन वाले नहीं लगाएं। और इसके साथ जो नॉर्मल कॉमन एलर्जिक रिएक्शंस, जो एडवर्स रिएक्शंस हो चुके हैं, वो क्या है, इंजेक्शन साइट पे पेन हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है, सर में दर्द, मसल पेन, चिल्स, जॉइंट पेन, फीवर और थोड़ा बहुत बुखार, थोड़ा बहुत नौजिया, वॉमिटिंग आपको हो सकता है, ये सारा हो सकता है। तो ये इसके साथ में आपको ये सारी जानकारी समझनी है। एमआरएनए की वैक्सीन है, एमआरएनए की वैक्सीन जो है उसमें ये नई तरीके की वैक्सीन है। ये क्यों नई है, ये पहले से वायरस को मार के, वायरस इनएक्टिवेट करके छोटा बहुत हिस्सा लेके वैक्सीन बनाई जाती थी। अब ये एमआरएनए क्या करती है, आपके शरीर में जाके एनकोड, आपके डीएनए सिस्टम में एनकोड करती है वायरस का एक छोटा पार्टिकल, पूरा वायरस नहीं बनाती, छोटा पार्टिकल। लेकिन वहाँ पर ये नया टेक्नोलॉजी है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी आगे चल के हमें कुछ और चीज़ें हो सकता है पता चले, जो अभी ना हो पता कि इस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ में और क्या फ़ायदा नुकसान है। तो और आगे कुछ ऐसा कुछ पता चलेगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।